मुरादाबाद संपूर्ण थाना समाधान दिवस के अवसर पर डीआईजी शलभ माथुर पहुंचे कटघर कोतवाली, सुनी फरियादियों की फरियादें। आपको बता दें, मुरादाबाद जिले में सभी थानों में संपूर्ण थाना समाधान दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर रिजर्व विभाग के साथ पुलिस विभाग और अन्य विभाग लोगों की समस्याओं का निस्तारण के लिए आए हैं। वहीं संपूर्ण थाना संविधान दिवस के अवसर पर डीआईजी शलभ माथुर भी कटघर कोतवाली पहुंचे, जहाँ उन्होंने रिजर्व से लेकर अन्य कई मामलों में कई फरियादियों की फरियादें सुनी। इसके साथ ही कुछ मामलों का हाथों हाथ ही निस्तारण किया गया। शलभ माथुर ने बताया कि इससे पहले वे थाना सिविल लाइन में पहुंचे थे। अवधेश कुमार, हाँ, आज थाना दिवस में आए हैं, समाधान दिवस में, क्या है मामला तुम्हारा? मामला ये है साहब कि मेरी मम्मी ने मेरे बच्चों के नाम वसीयत लिख दी थी, जो नाबालिग हैं, और मम्मी एक्सपायर हो गई, ख़त्म हो गई। उसका दावा भी डाल दिया है तहसील में। हमारे भाई ने तुषार भटनागर को मोटी रकम दे के और उस पर आदेश चढ़वा लिए। कौन है तुषार भटनागर? तुषार भटनागर लेखपाल हैं। अच्छा, इन्हें पैसे दे के और उन्होंने आदेश चढ़वा लिया। हमारा भाई ज़मीन पर कब्जा कर रहा है, जाता हूँ मैं, भगा देता है वो मुझे। आज भी उसने उसमें जुताई खुदाई करी है, धान की तैयारी कर रही है, इसलिए मैं आज थाना दिवस में। अच्छा, ना आप डीआई साहब से मिले हैं, क्या आश्वासन मिला है आपको? मिला है आश्वासन, देखो कार्रवाई क्या होती है, आश्वासन तो दिया है। तो अब आप क्या चाहते हैं? बस यही चाहते हैं कि अगर उसे रोका जाए, जो अगर जोत रहा है या बना रहा है, उसे बनाने की जोत नहीं रोका जाए, उसे नहीं जा रहा है वहाँ, तो वो भी नहीं आना चाहिए काम में। कितनी जमीन है? जमीन लगभग 3 बीघे है। तो पूरी पे कब्जा कर रहा है? पूरी पे कब्जा है, कुछ में उसने दुकानें बना रखी है दो, और बाकी पे जुताई खुदाई कब्जा कर रखा है। जाता हूँ मैं, ट्रैक्टर ले गया, मुझे भगा दिया उसने, गाली गलौज करी। पहले ही मैं एक दो एप्लीकेशन लगाता हूँ, कप्तान साहब के पास भी गया था, उनके पास भी लगाई थी मैंने। अब मैं थाना दिवस में आया, कुछ नहीं हुआ था। क्या नाम है तुम्हारे भाई का? विक्रम सिंह। क्या करते हैं विक्रम सिंह? कुछ नहीं कर रहे हैं, घर ही हैं वो, यही दुकान वगैरह कर रहे हैं, जमीन पर कब्जा करने सोच रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। बच्चे मेरे नाबालिग हैं। कारण क्या गया? जी, थाना समाधान दिवस से पहले मेरे द्वारा थाना सिविल लाइन मुरादाबाद और उसके बाद थाना कटघर यहाँ की भ्रमण किया गया। और तो थाना समाधान दिवस के ऊपर राजस्व डिपार्टमेंट में अन्य डिपार्टमेंट के साथ उन लोग को सामंजस्य स्थापित करके कार्रवाई करनी है। उस तरह के प्रार्थना पत्र भी प्राप्त हुए और एक प्रकरण थाना कटघर में जो NCR में कार्रवाई को लेकर है वो प्राप्त हुए। इसके अलावा जो कूड़ के प्रकरण थे उसकी समीक्षा की गई, और जहाँ जहाँ पर आवश्यकता है जिनको कि हम अपने थाने के अभिलेख के अंदर हमें लिखना है, भूमि विवाद रजिस्टर, थाना समाधान के अतिरिक्त विरोधात्मक कार्रवाई करनी है, वो सब चीज़ें उसके अंदर निर्देशित किया गया। साथ ही साथ दोनों थाने के ऊपर महिला हेल्पलाइन और साइबर हेल्पलाइन को भी चेक किया गया। पूर्व में इन लोगों की ट्रेनिंग कराई गई थी, उसके बाद क्या क्या और चीज़ें हम लोग उनको ट्रेनिंग के माध्यम से दे सकते हैं, ऑनलाइन वर्कशॉप के माध्यम से दे सकते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें शासन मुख्यालय स्तर से प्राथमिकता के तौर पर हैं, और इसके अंदर जो कार्रवाई है वो काफ़ी हम लोग की अच्छी हो रही है और इसको बेहतर बनाने का प्रयास है।